আমি যখন কাজ করতে যাব যদি লোকটাকে বুঝাইতে পারি তাহলে আমি সেই জায়গায় যাব। সেন্ট্রাল থেকে তারা লবি করে সব সময় রাজনীতিবিদরা টাকা নিয়ে আসছে। দ্যাটস হোয়াই মহারাষ্ট্র খুব ইজিলি রিচেস্ট স্টেট হয়ে গেছে ইন্ডিয়ায়। স্বাগতম সবাইকে বিচ্ছেদ ডিরেকশনে। আজকে আবারও চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরও একটি নতুন ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি শেয়ার করব সেই ভিডিওর টাইটেল হচ্ছে হাউ মহারাষ্ট্র বিকাম দ্য রিচেস্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া। অনেক বড় লোক হয়ে গেছে মহারাষ্ট্র ইন্ডিয়ার মধ্যে। তো কীভাবে হয়েছে সেটাই আমরা জানবো আসলে এই ভিডিও থেকে। আর ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ার ট্রেন থেকে। तो चलो सभी मिले वीडियो देखे आसे। महाराष्ट्र का जीडीपी देश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जीडीपी के गैप को कंपेयर करोगे और उसके बाद में अगले 7 स्टेट्स की जीडीपी के गैप को मिलाओगे तब जाकर पहले और दूसरे स्टेट के जीडीपी गैप कवर होता है। तो ऐसा क्या है महाराष्ट्र में कि आज वो देश का सबसे रिचेस्ट स्टेट बन गया है, यही बात इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं टोटल ग्रॉस जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर हम नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जाएँ तो अलग डेटा बाहर आता है, अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से जाएँ तो भी अलग डेटा आता है। बेसिकली कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कई अलग अलग स्टेट्स और रीजन्स को हम अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं अगर डेटा को मैनिपुलेट किया जाए। इसके लिए मैं टोटल पूरे स्टेट से कितने पैसे आते हैं उस वाली जीडीपी के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। दोस्तों दो तरीके के फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे इस वीडियो में जिसके कारण महाराष्ट्र ऊपर पे आए। पहले है नेचुरल फैक्टर्स या आप कह सकते हो लक फैक्टर्स जिसके कारण महाराष्ट्र ऑलरेडी ब्लेस था, और दूसरा कारण होगा आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैक्टर्स यानी किस तरीके से प्लानिंग प्रिपरेशन के कारण आज ये रैंकिंग महाराष्ट्र को मिल पाई है। तो पहले बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर आप कहो तो महाराष्ट्र में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप कोंकण रीजन को छोड़ दो तो विदर्भ मराठवाड़ा ये दो ऐसे रीजन्स रहे महाराष्ट्र के जो हमारे पूरे देश में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रेन शैडो रीजन्स है जहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर बारिश नहीं हो पाती। इसके कारण रिलायबल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर पहले के ज़माने से ठीक से पॉसिबल नहीं था। इसके कारण दो चीज़ें यहाँ पर डेवलप हुई। पहली बात थी इंडिविजुअल इरीगेशन यानी सरकार की मदद के बिना यहाँ पर कैनाल्स वेल्स ये सारी चीज़ें बनाकर एक ज़्यादा रिलायबल तरीके का एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री डेवलप की गई, और कैश क्रॉप जिस तरीके से कॉटन टोबैको जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती है वो यहाँ पर धीरे धीरे प्रोड्यूस होना शुरू हुई। इनमें से कुछ चीज़ें बची जबकि कुछ चीज़ें आगे जाकर प्रोडक्शन से बाहर निकाल दी गई, और इसी कारण कई सारे फार्मर्स सिर्फ फार्मिंग पर रिलायबल नहीं रह सकते थे और बाकी तरीके के बिजनेस की ओर वो बढ़ने लगे बहुत ही ज़्यादा पहले से। इसी कारण अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्टीज यहाँ के लोगों को बहुत पहले से आ गई। दूसरी बात है यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज। दोस्तों महाराष्ट्र में एक फ़ायदा ऐसा है स्टेट को मिला है कि यहाँ पर सारे के सारे मिनरल्स अवेलेबल तो है, मे बी सारे बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में नहीं हो लेकिन वैरायटी बहुत है। आप आयरन से लेकर यूरेनियम से लेकर मैंगनीज जैसे सब कुछ अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पर मौजूद है। इसके कारण इंडस्ट्रीज को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है। इसके कारण ऑब्वियसली कोस्ट होने के कारण किसी भी स्टेट को एक बड़ा एडवांटेज मिलता है जो यहाँ पर महाराष्ट्र को भी मिल पाया है। और लास्टली अगर हम लक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं तो मुंबई ब्रिटिशर्स के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी बनाया गया था। इसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले से ही स्टेट के कैपिटल में ज़्यादा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिशर्स गए थे उस टाइम पे मुंबई कोलकाता मद्रास ये तीनों इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थी और तीनों जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम या इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा हुआ करती थी। तो देखते इसके बाद में क्या ऐसी चीज़ें की गई कि यहाँ की जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। दोस्तों पहला काम जो महाराष्ट्र में किया गया था पहले वो था सिटी एग्रीगेशन। कई लोग अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनके सामने सिर्फ एक शहर का नाम आता है जो है मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र के जो दूसरे सिटीज़ हैं उनकी खुद की जीडीपी हमारे देश के कई सारे अलग अलग स्टेट के कैपिटल से भी बहुत ज़्यादा है। मुंबई तो फाइनेंशियल कैपिटल बन गया लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश का 28% आईटी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ का आईटी कैपिटल बना जिसके साथ उसकी सैटेलाइट टाउन पिंपरी चिंचोड़ भी थी। नासिक देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्लस्टर बना जहाँ पर आज भी बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। औरंगाबाद स्टेट का ऑटोमोबाइल और फार्मा हब बना
जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यहाँ पर अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन का भी काम करती है। नागपुर सेंट्रल लोकेटेड होने के कारण ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड हब बना, जहाँ पर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली कि 2 RBI के ब्रांचेस इस अकेले शहर में बनाए गए। और इसी पैमाने पर कई सारे अलग शहर भी महाराष्ट्र कंटिन्यूसली डेवलप करते रहता है, और मुंबई के कारण पूरा का पूरा नवी मुंबई जैसा शहर जो आज हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टॉप 20 में आता है, ये पिछले 40 साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ पुणे के भी कई सारे सैटेलाइट टाउन्स में बहुत बड़े पैमाने पर इसी तरीके के प्लान डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। औरंगाबाद के पास में शेंद्री नाम की एक सिटी बनाई जा रही है, इसके कारण फ्यूचर प्रूफिंग का काम महाराष्ट्र में पहले से भी होते आ रहा है और अभी भी किया जा रहा है। अब इन सारे शहरों में इंडस्ट्रीज आई कहाँ से, तो यहाँ पर बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिसी की। दोस्तों MIDC या फिर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लिबरल और ओपन इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज रही है बहुत पहले से। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस, अनइंटरप्टेड पावर, वाटर, ये सारी चीजें बहुत इजीली यहाँ पर मिल पा रही थी 1960s और 70s में। इसके कारण कई सारी इंडस्ट्रीज ने प्रेफरेंस दिया। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर हाउसेस काम कर रहे थे। दोस्तों टाटाज, अंबानीज और कई सारी बड़ी बिजनेसेस जो आज मुंबई में से ऑपरेट होती है, उनका जन्म शायद मुंबई में नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई को अपना बेस चुना इसी कुछ कारणों के कारण, और यही आगे जाकर एक चेन इफेक्ट बन गया, जिसके कारण एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आना शुरू हुई और आगे जाकर एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बन गया। दोस्तों तीसरी चीज़ है लिटरेसी। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर कई सारे लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं कि लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कंपेयर करो तो कौन से स्टेट में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ लोग बनते हैं जो लिटरेट है, और वो क्वालिटी ऑफ लिटरेसी भी क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि केरला की लिटरेसी 100% है, लेकिन अभी के फिगर्स के हिसाब से 98% है, लेकिन अगर हम 100% भी कंसिडर करें तो पूरे केरला के पॉपुलेशन के हिसाब से 3.4 करोड़ लोग यहाँ पर लिटरेट होने चाहिए। वही अगर हम महाराष्ट्र की कंपैरिजन करें तो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट होने के साथ यहाँ का पॉपुलेशन 11.42 करोड़ लोग है, और इसके कारण यहाँ की 88.2% लिटरेसी रेट के साथ में यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही ज़्यादा लिटरेट बन जाता है, और इतने बड़े लिटरेट वर्कफोर्स के साथ काम करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों ऐसी है कि महाराष्ट्र की लिटरेसी चाहे दुनिया में सबसे अच्छी न हो, इनफैक्ट आप सीधा सीधा कह सकते हो कि कुछ बहुत हाई क्वालिटी की लिटरेसी यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के बाकी अगर आप स्टेट से कंपेयर करोगे तो महाराष्ट्र का प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। दोस्तों कई स्टेट्स में लिटरेसी होने के बावजूद लोग कई बार हिंदी जैसे लैंग्वेजेस भी नहीं बोल पाते, और कुछ स्टेट्स में तो रीडिंग राइटिंग भी क्लास 10 तक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन पाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट में गांवों तक एटलीस्ट बेस एजुकेशन बहुत स्ट्रांग रखा गया है। और अगर आप कोई इमिग्रेंट हो या महाराष्ट्र के रूरल एरिया में आपने ट्रैवल किया है तो आपने ज़रूर ये आइडेंटिफाई किया होगा कि यहाँ पे लोग चाहे डे टू डे यूजेज में हिंदी बात करते हो नहीं करते हो, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में जो बाकी लैंग्वेजेस वगैरह है वो लिखते हैं नहीं लिखते हैं, फिर भी कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यही बात कई सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती रही और यहाँ के लोगों को वो हायर करते रहे और इंडस्ट्री सेटअप करते रहे। दोस्तों अगली अगर फैक्टर की बात करें तो वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा सेंटर से पैसे लाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट रहा है, जिसके जरिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र में डेवलप किया गया है। सेंटर से जो भी बजट एलोकेशन होता है उसका बड़ा चंक किस तरीके से लॉबी करना है, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस ने 1960s, 70s और 80s में बड़े पैमाने पर करके दिखा, जिसके कारण अकेला स्टेट महाराष्ट्र बनता है जहाँ पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, रेलवे नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, देश का पहला एक्सप्रेसवे यहाँ पर बना था, देश के पहले ड्राई पोर्ट्स महाराष्ट्र में बने थे, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट भी यहीं पर है, और बेसिकली यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली देश से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सका, जो फिर से इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव बनता है। दोस्तों आज भी पूरे देश की 38% FDI महाराष्ट्र में जाती है, जबकि 32% इनकम टैक्स एक स्टेट महाराष्ट्र में से आता है, और ये ले चलता है हमारे लास्ट रीजन की ओर, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। दोस्तों मुंबई में आज मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स इन जैसे सेकेंडरी सेक्टर जॉब्स बहुत कम हो चुके हैं, जबकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसी चीज़ें ही मुंबई को आज टॉप पर ले आती है। दोस्तों हमारे देश में अगर आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मद्रास, कोलकाता, दिल्ली इन जैसे कई सारे शहरों में स्टॉक एक्सचेंजेस बनाए गए थे, लेकिन सिर्फ BSE सर्वाइव कर पाया और यहाँ पर NSE भी एक्चुअल में नर्चर हो पाया। इसके कारण स्टॉक मार्केट जो किसी भी देश के फाइनेंशियल कैपिटल का हार्ट होता है वो यहाँ पर एक्चुअल में ग्रो हो पाया, और यही जो भी मैंने रीजंस बताया अगर आप बाकी स्टेट से कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेट्स
थोड़ा बहुत पीछे रह गए और महाराष्ट्र को एडवांटेज मिलते हुए वो आगे बढ़िया। आज की अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो दोस्तों ये पोजीशन ज़्यादा समय तक महाराष्ट्र रिटेन कर पाएगा या नहीं, इस बात को लेकर फ्यूचर अनसर्टन है। कई सारे स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है, महाराष्ट्र से ज़्यादा डेवलपमेंट परसेंटेज रेट्स वो रखते हैं और ये एक रियल पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि कई स्टेट्स महाराष्ट्र को मैच या उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे। महाराष्ट्र ने अनेक किसी जिन्हें गलम तो महाराष्ट्र सुनले আমার কাছে সবসময় মনে হয় মুম্বাই সিটি মুম্বাই অনেক ডেভেলপ করছে, মুম্বাই তে সব হচ্ছে ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু এখন যা বললাম অ্যাকচুয়ালি তা না। পুনে একইভাবে মুম্বাইয়ের মতো এখানে অবদান রাখছে, পুনে সিটিতে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে সব কিছু ওখানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আর তাছাড়া এগ্রিকালচারের জন্য গভর্নমেন্টের ওখানে কিছু ইনভেস্টমেন্ট আছে, যে কারণে হচ্ছে ওখানে আসলে ফসল হতো না, সেই জায়গায় এগ্রিকালচারে যে ক্যানেলের ইনভেস্টমেন্টগুলো আছে সেজন্য ওখানে কিছু ফসল আসতেছে এবং কিছু ফসল যেগুলো হচ্ছে রপ্তানি করা যায় এই ধরনের ফসলগুলো ওরা উৎপাদন করেছে। আর যথারীতি তারা আসলে সেই আগে থেকে হচ্ছে লবি করতে পারতো যে সেন্ট্রাল থেকে পয়সা আনার লবি। এটা কিন্তু আসলে অনেক মানে মজার ছিল, কারণ তারা বলছে যে সেন্ট্রাল থেকে তারা লবি করে সবসময় রাজনীতিবিদরা টাকা নিয়ে আসছে অনেক অন্যান্য স্টেটের থেকে বেশি। এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ফানি ছিল যে কিভাবে এটা আনতে পারলো তো ডেভেলপ হচ্ছে। তারা তো অবশ্যই বলবো যে মানে চতুর আর কি, পারদর্শী এই ব্যাপারটায় যে তারা এই জিনিসটা আনতে পেরেছে, সেন্ট্রাল থেকে সবার কাছে যাওয়ার কথা সমান পরিমাণ কিন্তু তারা বেশি আনতে পেরেছে, তার মানে তাদের সেই ক্যাপাসিটিটা ছিল সেখান থেকে নিয়ে আসার। তো এটা আমার কাছে ভালোই লেগেছে যে না, তাদের ক্যাপাসিটি ছিল তাদের রাজনীতিবিদদের এবং তারা সেটা নিয়ে এসছে এবং মানুষের কাজে লাগিয়েছে। হ্যাঁ, ওই টাকাটা দিয়েই তারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে, আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করার কারণে বড় বড় কোম্পানিগুলো যারা ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার তারা এখানে ইনভেস্টমেন্টে দেখতে পেরেছে যে তারা যদি এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে ইজিলি বাকি কাজগুলো করতে পারে। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন কিংবা বিজনেসের জন্য যে কর্পোরেশন আছে ওখানে খুবই লয়্যালভাবে এবং খুব ইজিলিভাবে ডকুমেন্ট করা যাচ্ছে। তো অন্য প্রদেশে গিয়ে যদি তাকে কষ্ট করতে হয় পেপার ডকুমেন্ট এগুলো ম্যানেজ করার জন্য, তাহলে তার থেকে ইজি যদি মহারাষ্ট্রে হয় তাহলে কোম্পানিগুলো হোয়াই নট এখানে আসবে। দ্যাটস ওয়াই মহারাষ্ট্র খুব ইজিলি রিচেস্ট স্টেট হয়ে গেছে ইন্ডিয়ায়। হ্যাঁ, আর ওনার ইনফরমেশনে যেটা জানলাম যে ওখানে এডুকেশনটাও কিন্তু এগিয়ে আছে, যদিও কেরালাকে বলছে যে তারা 100% এডুকেটেড, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, উনি যেটা বললো সেটা হচ্ছে এখানেও এডুকেশনটা অনেক, এখানে 98%। আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে এখানকার মানুষজনগুলো মানে হচ্ছে হিন্দির ব্যাপারগুলো বুঝে, তাছাড়া হচ্ছে মানুষ বেশি, আমরা কথা বলতে পারি না অতটা কিন্তু তারপরে বুঝি। তো এটা একটা সুবিধা যে আসলে মহারাষ্ট্রতে সব ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলা যায় এবং সবাই সেটা বুঝে নেয়। তো আমি যখন কাজ করতে যাব যদি লোকটাকে বুঝাইতে পারি তাহলে আমি সেই জায়গায় যাব, এটাই স্বাভাবিক। না, এই কিছু কিছু আসলে তাদের বলবো যে ভালো পলিসি ছিল যেগুলোর কারণে তারা এগিয়ে গেছে। আর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে তাদের অন্য আরও অনেক সাপোর্ট ছিল, বিভিন্ন বড় কোম্পানি যারা আগে থেকেই ওখানে ছিল তাদেরকে দেখেও হয়তো অনেক অনেক কোম্পানি চলে এসেছে সে কারণেও অনেকটা তারা সুবিধাটা পেয়ে গেছে মনে হয়। অ্যাকচুয়ালি মহারাষ্ট্রের পোর্ট সিটি মুম্বাই, ইংরেজরা যখন দেশ ছাড়ে তখন যথারীতি ভিডিওতে যেমন বললাম আমরাও জানি যে চেন্নাই, মুম্বাই এবং কলকাতায় হচ্ছে পোর্ট সিটি ছিল। সো পোর্ট সিটির কারণেও কিন্তু মহারাষ্ট্র একটা বেনিফিট পেয়েছে, যে কারণে এখানে ইনভেস্টমেন্ট থেকে শুরু করে সব কিছু একটু বেশি বেশি এসেছে। দ্যাটস ওয়াই তাদের কিন্তু আসলে রিচেস্ট স্টেট হওয়ার জন্য কোনো বাধাই ছিল না। আর ওভারঅল আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, ঠিক আছে, মহারাষ্ট্রের আরও বিভিন্ন দিকগুলো কিন্তু তারা ভালোভাবে তুলে ধরেছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালের কারণে এবং সেখানে যে আইটি সেক্টরও মনে হয়। হ্যাঁ, পুনে সিটিতে আইটি সেক্টরটা, আই মিন ইলেকট্রনিক্সের যে পাওয়ার স্টেশনটা দেখলাম এবং সাথে সেখানে কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যে বাইকগুলো অ্যাসেম্বল করছিল, এরকম কোনো বাইক কার ফ্যাক্টরি আছে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এইসব ফ্যাক্টরির কারণে তারা কিন্তু আসলে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তো ওভারঅল ভিডিওটা ইনফরমেশন ছিল এবং আমাদের কাছেও ভালো লেগেছে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আপনারা আমাদের সঙ্গে দেখতে চান। তো আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।